तो मम्मा खाना खा के इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना। पहले अब रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूँ। इडली मम्मी मुझे ना बाबू की बहुत याद आती है। मैं जब दुकान में जाते शाम तक खाना नहीं खाता हूँ। भूखे के भूखे काम करते कुछ भी नहीं खाते पीते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं सर इरफान मलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। दोस्तों उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, खैर मकदम है आप सबका। एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में हाजिर हैं हम एक और वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम एक और वायरल वीडियो की बात करेंगे जो एक छोटी बच्ची का वीडियो है। इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ये वीडियो कहाँ का है, मगर ये वीडियो जो है पिछले कई दिनों से बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये छोटी बच्ची अपने फादर के बारे में बात करती हुई आपको दिख जाएगी, अपने फादर के बारे में ये चिंता करती हुई देखी जा सकती है। इसमें ये कहने की कोशिश करती है कि जो मेरा फादर है यानी जो इस लड़की का बाप है वो दिन रात काम करता है पर खाना कब खाता है, यानी इसको बहुत ज़्यादा इसके अपने वालिद की फिक्र होती है कि वो खाना कब खाते हैं, वो काम ही काम में लगे हुए हैं पर अपने सेहत पर कोई उनका ध्यान नहीं जाता है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो के बारे में और बात करेंगे। क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? मैंने तो अभी डांटा ही नहीं आपको है? क्यों रो रही है? पहले रिकॉर्डिंग बंद करो। मैं पहले बताओ तो मैं बंद करूँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूँ। इडली मम्मी मुझे ना बाबू की बहुत याद आती है। मैं जब दुकान में जाते शाम तक खाना नहीं खाता हूँ। भूखे के भूखे काम करते कुछ भी नहीं खाते पीते कुछ भी नहीं करते सीधे काम काम तो सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना पापा का, मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते शाम को खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठो बताओ। तो रात को आके खाते ना बेटा? रात को खाते ना लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना। मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन जाएगी तो किस खाएगी? ये बात सुन, दुनिया की हर बच्ची को अपने पापा की टेंशन होती है। अच्छा इसीलिए वो तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत ही बच्ची के रोने से ही शुरू होता है। तो इस वीडियो में आपने शुरुआती अल्फाज में देखा होगा कि जो बच्ची है वो अपने माँ से क्या कह रही है। कहने की कोशिश ये कर रही है कि जो उसका वालिद साहब है यानी जो उसके फादर साहब हैं वो सिर्फ काम करते हैं पर खाना कब खाते हैं। आगे वीडियो देखिए आपको पता चलेगा कि माँ उसे क्या कहती है और कैसे समझाती है। खाना खाएंगे ना, वो भी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन भूखे भूखे तो बेटा अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राहक निकल जाएगा तो उनका ग्राहक चला जाएगा। वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खा के इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना। इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? मुझे बताओ ना। खाएंगे ना। इंसान खाना नहीं खाएगा? वो खाना नहीं खाते? वो भी खाना खाते हैं। अपने बाबू भी खाना खाएंगे? भूखे भूखे दुकान चली जाते। ओ बाप रे, अपन खाना खिलाते ना बेटा, पापा नाश्ता ले जाते दुकान पे। उसकी टेंशन होती है ना। ओ बाप रे, ऐसी टेंशन मुझे चिंता होती है पापा की। मैं क्या करूँ अब? मेरा स्वभाव इतना नरम है, मैं क्या करूँ? अब खराब तो कर नहीं सकती मैं। इसे रोना नहीं, मैं क्या करूँ? पापा को आप प्यार। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो इसकी वालिदा है ना, इसकी मदर है, वो कैसे अपने बच्ची को समझाने की कोशिश करती है कि काम भी ज़रूरी है और खाना भी ज़रूरी है, पर बच्ची मानने के लिए तैयार नहीं होती। बच्ची का जवाब यही होता है कि नहीं, पहले खाना होता है उसके बाद काम होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और भी वीडियोज़ आप किस तरीके के वीडियोज़ चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी अपडेट्स और बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए।